नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ENN भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति। राजस्थान में विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। कल यानी कि मंगलवार को विधानसभा सत्र का पहला दिन था। कल पेपर लीक का मुद्दा विधानसभा में जमकर गूंजा। विपक्ष ने सरकार से कई मुद्दों पर विस्तार में बहस की। कांग्रेस नेता और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तो सदन में और बाहर भी भाजपा पर जमकर बरसते हुए नजर आए। वो लगातार कहते रहे कि भाजपा नेताओं को विधानसभा में कैसे पेश आना है उन्हें नहीं पता है, वो बस दिल्ली से आई हुई पर्ची को पढ़ देते हैं। इसी दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर एक ऐसी बड़ी बात कही जिससे सवाल उठने लगा है कि क्या भाजपा में अब वसुंधरा राजे की कोई इज्जत नहीं रही है। चलिए सुनते हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा। आज खींचातान की क्या स्थिति है? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को निर्दलीय विधायकों के जो कॉलम आवंटित है उसमें बैठाया गया है। कालीचरण सराफ जी को उसमें उस कॉलम में बैठाया गया है। आप देखिए उसी बॉक्स में आपके प्रताप सिंघवी जी को बैठाया गया है। सीनियर लोगों को इस तरीके से बेइज्जत करके ये राजस्थान में गुड गवर्नेंस दे पाएंगे? कोई योजना ले पाएंगे? क्या सरकार ये चला पाएंगे? डोटासरा कह रहे हैं कि भाजपा ने वसुंधरा राजे को निर्दलीय विधायकों के कॉलम में बैठाया और कालीचरण सराफ को भी उसी कॉलम में बैठाया। तो क्या इस तरह से अपने सीनियर नेताओं को अलग करके भाजपा अच्छी सरकार दे पाएगी? क्या उनकी कोई भी इज्जत नहीं है? आपको बता दें कि बीते कई दिनों से वसुंधरा राजे के प्रति भाजपा आलाकमान रूखा व्यवहार अपना रहा है। सभी को पता है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना चाहती थी। उन्हें आलाकमान से उम्मीद थी कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब मुख्यमंत्री की पर्ची खोली गई तो वसुंधरा राजे हक्की बक्की रह गई थी क्योंकि उसमें भजन लाल शर्मा का नाम लिखा हुआ था। लेकिन आलाकमान के दबाव के चलते वसुंधरा राजे इस बात को हंसते हंसते झेल गई। वसुंधरा राजे को भाजपा सरकार में कोई मंत्री पद भी नहीं दिया गया है। ऐसे में कयास लगते रहते हैं कि शायद आलाकमान वसुंधरा को लेकर कोई और योजना बनाने में जुटा है। पर राजस्थान में वर्तमान स्थिति की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जितनी भी बैठकें हुई हैं उनमें वसुंधरा राजे नजर नहीं आती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाजपा अभी भी अंतर्कलह का सामना कर रही है जिसकी वजह से ही वसुंधरा ना तो इन बैठकों में दिखाई देती हैं और आलाकमान भी वसुंधरा को ज़्यादा तवज्जो दे नहीं रहा है। और क्या सच में भारतीय जनता पार्टी में सीनियर नेताओं की कोई इज्जत अब नहीं रही है? वीडियो पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।